और चलिए अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, किसान आंदोलन के 6 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं। आज किसान जो है काला दिवस मना रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं काले कपड़े और झंडे के साथ। किसान यहां पर पहुंच रहे हैं, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा भी है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेन, लवीना और हर्षा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षा, क्योंकि आज 6 महीने जाहिर सी बातें पूरे हो रहे हैं और ऐसे में जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है सरकार को, क्या नजर आ रही है, क्या किसान जुट रहे हैं या फिर वो तस्वीर नजर आ रही है जिसकी कहीं ना कहीं किसान नेता उम्मीद कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हो चुकी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि राकेश टिकैत खुद यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो किसान है वो भी विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंच चुके हैं। और देखिए सबके हाथ में काले झंडे, राकेश टिकैत के हाथ में खुद काले झंडे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद है। और ये जो तस्वीर है ये गाजीपुर बॉर्डर से दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पे आज जो है काला दिवस जो मनाया जा रहा है, चूंकि राकेश टिकैत ने कहा हुआ है कि ब्लैक डे पर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, जमा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो आना जाना है वो लगातार शुरू हुआ। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं विरोध दर्ज कराने के लिए जो लोग हैं किस तरह से यहाँ पहुंचे हैं। राकेश टिकैत के आह्वान पर यहाँ पे भारी संख्या में लोग जो है लगातार पहुंच रहे हैं, नारेबाजी करते हुए, हाथ में काला झंडा देखते हुए, काले रंग के कपड़े पहनते हुए लोग यहाँ, लोगों की तस्वीर यहाँ पे साफ तौर से देखी जा सकती है। तो ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ राकेश टिकैत के एक आह्वान पर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध दर्ज कराने। जी बिल्कुल हर्षा, तस्वीरें सामने नजर आ रही है, जिस तरह से खुद राकेश टिकैत ने कहा था कि आप जहां पर है वहां प्रदर्शन करें, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अब धीरे धीरे किसान जो है वो इकट्ठा होने लगे। लौटेंगे, हितेन का रुख करेंगे, लवीना का रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है वो बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ जो है वो नई है, लेकिन धीरे धीरे अब किसान इकट्ठा भी होने लगे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो है काला दिवस आज मना रहे हैं। और देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ब्लैक डे मना रहे हैं, लेकिन वो जो तस्वीर कहीं ना कहीं माना जा रहा था, जो जूम मीटिंग्स के जरिए बार बार किसान नेता मीटिंग कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसान आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि बार बार राकेश टिकैत ने कहा है कि आप जहां पर हैं वहीं काला झंडा अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर, अपनी गाड़ी पर लगाइए, लेकिन एक चीज तो साफ है, जो कोशिश थी वो कहीं कामयाब होती नजर नहीं आई। और लवीना का रुख कर लेते हैं। लवीना, आपको किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जो दावा किया जा रहा था काला दिवस मनाना है, सरकार को एक तरीके से चैलेंज दिया गया था, कुछ वैसी तस्वीर दिख रही है क्या? किसान जुट रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए तस्वीर आपको दिखा दूं, यहाँ पर राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तैयारी यहाँ पर किस तरीके से राकेश टिकैत के आने को लेकर की गई है वो भी आप तस्वीरों में देख लीजिए। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है। देखिए राकेश टिकैत ने अपील की है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर ना पहुंचे और अपने घरों की दुकानों के बाहर झंडे लगाए जाए। कैसे विरोध जताए? किसानों को आंदोलन करते हुए यहाँ सड़कों पड़े हुए, 6 महीना पूरा हो गया, सरकार कुछ भी किसानों की सुनने को तैयार नहीं, किसानों की जो समस्या उनका समाधान करने को तैयार नहीं है। तो सरकार का विरोध करने के लिए, रोष जताने के लिए आज हम लोगों ने जो काला दिवस मनाने के लिए काले झंडे, लेकिन अपील की गई है राकेश टिकैत की ओर से कि कम से कम लोग आए। क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? अभी तो हमारा आज बहुत पूर्णिमा का जयंती मनाई जा रही है, अभी 11 बजे तक हमारा कार्यक्रम शादी समारोह मनाया जाएगा। 11 बजे के बाद सभी किसान अभी नाश्ता पानी कर रहे हैं, सभी लोग टेंटों से निकलेंगे और 11 बजे से हम झंडा हाथों में काला लेकर के और यहाँ प्रधानमंत्री पुतला भी जलाएंगे और पूरा शक्ति का प्रदर्शन हम पूरे। बिल्कुल बिल्कुल लवीना, तो देखिए 11 बजे के बाद तस्वीर बदल सकती है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किसान जुटेंगे। हितेन आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दे, ब्लैक डे पर सिंघू बॉर्डर में अब काले झंडे लगने लगे हैं, आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर काले झंडे लगाए हैं। किसान आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, आज किसान जो है वो काला दिवस मना रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर कई काले झंडे जो है वो देखने को मिले हैं। बिल्कुल, और हितेन का रुख कर लेते हैं और पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से देखें यहाँ पर काले झंडे लगाए गए। दरअसल ये टेम्पररी मकान आप इन्हें कह लीजिए, अपने रहने के यहाँ पर जो व्यवस्था किसानों ने की है। हितेन, क्योंकि अभी लवीना भी बात कर रही है किसानों से और कह रहे थे कि 11 बजे के बाद तस्वीर बदलेगी, किसान जुटेंगे, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए 11 बजे का ही समय तय किया गया है आंदोलन का कि 11 बजे बाद ही सरकार का पुतला फूकना है और साथ ही साथ काले झंडे लेके जो है नारेबाजी करनी है। हालांकि ये सिंघू बॉर्डर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये सिंघू का मेन बैरिकेड है, यहाँ से आगे जो है फिलहाल किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है।
यहाँ से मेन मंच तक जो है वो चार बैरिकेडिंग और है, ताकि 26 जनवरी की जो घटना हुई थी वो फिर एक बार ना घटे, इसीलिए ये सख्ती जो है पुलिस की तरफ से अब यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी को जो है अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, पत्रकारों को भी बाहर ही रोका जा रहा है कि ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। लेकिन एक तरफ इतने यहाँ रोकना चाहेंगे, हर्षा का रुख कर रहे हैं। हर्षा, ओवर टू यू। राकेश सर, चूंकि आपके हाथ में ब्लैक झंडा भी है और राकेश टिकैया जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि आज काला दिवस का आयोजन है, खुद यहाँ पे राकेश टिकैया सर सुबह से मौजूद है क्योंकि आज इस ब्लैक डे को सफल भी बनाना है। सर, लगता है कि आसपास के जितने जिले हैं, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, वहाँ से भी लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे? नहीं आएंगे लोग, नहीं आएंगे, बार बार हम कह रहे हैं कि लोग नहीं आएंगे, अपने घरों पे ही रहेंगे, अपने गाँव में रहेंगे, वहाँ पर मनाएंगे। कई तरह की ये भी चीज कही जाए, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर के सिसोली में भी जाने की कोशिश की कि वहाँ पे ब्लैक डे का आज ब्लैक दिवस कैसे मनाया जाएगा, आपको लगता है कि वहाँ पे घरों में गांव में किसान मनाएंगे, जो तस्वीरें हैं वो अच्छी निकल करके आएंगी वहाँ? हाँ, मनाएंगे, अच्छी निकल कर मनाएंगे। सर, थोड़ा डिटेल में तो कम से कम बताइए कि क्या तैयारी है? तैयारी है, झंडा रख रहे ना, हाथ में झंडा है तो ब्लैक डे मनेगा। लगता है कि आज ब्लैक डे दिवस के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुला सकते हैं और बातचीत कुछ हो सकती है? क्या पता, होगी नहीं होगी तो सरकार बताएगी। सर, राकेश सर, हर चीज सरकार कैसे बताएगी, कुछ तो आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपको देख रही है आज, तो जानना चाहती है कि हमारे किसान नेता किसानों के लिए क्या कर रहे हैं दिल्ली बैठकर। दिल्ली बैठकर क्या कर रहे, काला दिवस मना रहे, अब झंडे बांध देंगे वहाँ पे अलग अलग, वहाँ बॉर्डर पर अभी झंडे बांध देंगे वहाँ पे। और इस 6 महीने पर क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या पता आगे क्या प्रोग्राम होगा? सारा कार्यक्रम तो सर आप ही ने रखा है, तो कुछ तो तैयारी होगी। हाँ, आज का मना ले, फिर आगे क्या क्या तय कर लेंगे। लेकिन आज की ही तैयारी कम से कम बता दीजिए, काला झंडा तो आपके हाथ में दिख गया और कुछ लोगों ने तो काले रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं, आज और क्या दिखने वाली है तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की? पुतला जलाएंगे अभी 10 बजे के आसपास, इसका 10-11 बजे पुतला जलाएंगे सरकार का। अभी तो झंडे लगाएंगे, अभी 1 घंटे तक पूरे झंडे लग जाएंगे, फ्लैग लग जाएंगे। राकेश, सरकार लगातार कह रही है कि जो खरीद की गई है अभी गेहूं की फसल की खरीद भी की गई है, जो उचित पैसे वो भी दिए गए हैं, लेकिन किसान नेता मानने को तैयार नहीं है, सरकार ये कह रही है, इस पर सर कुछ जवाब तो दे दीजिए। जब अखबार वाले मान जाएंगे तो सब चीज हो जाएगा, जब वो ठीक दिखाएंगे। ये कानून बन गया देश में, सस्ते में खरीद नहीं हो रही किसी चीज की, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारा गन्ने का है वो दिलवा दो, हमारा उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया, पूरा देश का फसलें आधे रेट में बिखरी है। MSP पे कानून बनना चाहिए ना, कि बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, इस रेट से नीचे पर नहीं खरीदोगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, जो इनका घोषणा पत्र था उसको लागू करो, तो ये सारे सवाल है हमारे। लेकिन सरकार तो सस्पेंड करने के लिए कानून 1.5-2 साल के लिए तैयार थी, सरकार ने 11वीं-12वीं वार्ता में कहा था। 1.5-2 साल के बाद में क्या होगा, आपकी नौकरी लगे रही है, कहे 1.5 साल के लिए लगे, फिर अपना घर चले जाइयो, तो ये होता है। गोदाम बन जाएंगे 1.5 साल के लिए कर ले, 1.5 साल के बाद में फिर लागू होंगे, तो वही काम होगा ना 1.5 साल के बाद में फिर। लेकिन राकेश सर, ये भी तो कहा था कि आप ही लोग कमेटी बनाएंगे, उसमें आप ही लोग रहिए, और नया कानून कैसे बनाया जाए उसको आप ही लोग चर्चा करके बताइएगा। कैंसिल करो ना इससे, कानून को हटाओ पहले, फिर बनाएंगे। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा सर, आप तो बंगाल घूम के आए, विशाखापट्टनम घूम के आए, कई राज्य घूम के आए, आपने कहा कि अब किसानों की परेशानी छोटी सी नहीं है, अब परेशानी बहुत बढ़ गई है, क्या क्या है जो अब आपको लगता है कि इतने में सीमित नहीं है 3 कानून तक? सारे हैं, सब चीज है, पूरा देश ये बिकने लग रहा है, उसको छुटा नहीं, यार आप निकलो ये जाएंगे, पूरा देश बिकने लग रहा है, सब देश को बचाना है। लेकिन ऐसे 6 महीने हो चुके हैं आप, अच्छा सर, जब आप बात करते हैं आप हमेशा 2022-24 की बात करते हैं, तब तक बैठना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि इस साल क्यों नहीं चाहते कि हल निकल जाए? हाँ तो निकाल दे, हम तो निकलवा दो हल, हम तो चाह रहे हैं कि इस साल ये 6 महीने क्यों बैठे हम, इस साल निकलवा दो हल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो बुला रहे हैं सर वार्ता के लिए, और आपके पास तो फोन नंबर भी है उनका, आप तो सभी मंत्रियों से बहुत घने संबंध भी रखते हैं सर। हाँ, सबसे रखे हम तो सबसे, हमारे तो प्रेस वालों से भी ठीक संबंध थे, अभी भी है सर, अभी भी हम तो अभी भी आपके साथ हैं सर। ठीक है, तो ये राकेश टिकैया को आप सुन रही थी, जिन्होंने पूरी चर्चा बताई, पूरी बात बताई कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, जिसके चलते आज ब्लैक डे मनाया जा रहा है, ब्लैक दिवस मनाया जा रहा है। राकेश टिकैया खुद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि उनके हाथ में भी काला रंग का झंडा है, जो विरोध प्रदर्शन, विरोध दर्ज कराने का जो तरीका है। बिल्कुल हर्षा, आपने सही कहा, और लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर पहले बता दें, पंजाब के अमृतसर में काले झंडे लगाए गए हैं, अमृतसर के गाँव में
घरों पर काले झंडे लगाए गए हैं, घरों की छतों पर लोगों ने काले झंडे लगाए हैं, महिलाओं और बच्चों ने भी काले झंडे लगाए हैं। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, पंजाब के अमृतसर की तस्वीर, जहां काले झंडे नजर आ रहे हैं। अमृतसर के गांव में घरों पर काले झंडे नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रमन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रमन, मुजफ्फरनगर की तस्वीर जरा दिखाइए और समझाइए। हाँ देखिए, बिल्कुल, मैं मुजफ्फरनगर से जो सिसौली जाता है, जो कि राकेश टिकैत का गांव है, उस रास्ते पे हूँ। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये मुजफ्फरनगर के खेतों की ये तस्वीर है जो इस वक्त मैं सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। और यहां पर अभी जो आप इस वक्त स्थिति देख रहे हैं, लोग ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहे हैं, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं ये आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीर नहीं है, ना ही किसी ट्रैक्टर के ऊपर, खेत में चलते हुए ट्रैक्टर के ऊपर आपको काला झंडा यहाँ पर नजर आएगा। तो इस वक्त ये जो सीधा तस्वीरें हैं, ये मुजफ्फरनगर से जो सिसौली राकेश टिकैत का जो गाँव है उस तरफ की ये जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में काम करने के लिए खेतों में जुटे हुए हैं, ट्रैक्टर चलते हुए आपको नजर आएंगे। यानी ये जो ट्रैक्टर, जो कि राकेश टिकैत कहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर की तरफ मुड़ेंगे, वो टिकैत तभी अपने सही, वो ट्रैक्टर अपने एकदम सही जगह है। और वो सही जगह है खेत, जहाँ पर वो जुताई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये असली अन्नदाता है, जो इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर गन्ने की कटाई चल रही है। तो ये मुजफ्फरनगर के से सिसौली के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ की ये मैं तस्वीरें सीधा आप तक पहुँचा रहा हूँ। और यहाँ पर इस वक्त खेती किसानी का काम चल रहा है, आंदोलन से बहुत दूर ये लोग हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो यही तस्वीरें हैं, कहीं कोई काला झंडा नहीं, किसी ट्रैक्टर के ऊपर कभी काला झंडा नहीं। कोशिश करता हूँ मैं यहाँ जाकर बात करने की, यहाँ से जो लोग इस वक्त ताऊ यहाँ खेतों पर गन्ने की कटाई कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि कितना क्या हो गए नहीं। अरे राम राम ताऊ, क्या नाम है आपका? रमेश है जी। अरे आप आंदोलन में नहीं गए? ना जी, हम तो गए नहीं, हमें तो पता भी नहीं जी। अच्छा, हाँ, वो आज काला झंडा वगैरह लगाना था कुछ? कहाँ से, हमें तो पता, हम भी पता ही नहीं जी, हम कहाँ जावा, पता लगता जाते भी। अच्छा, हाँ, कुछ सही चल रहा है आंदोलन अभी? आंदोलन तो सही चल रहा जी। हाँ, तो अभी आपको क्या सरकार से कोई शिकायत या बातचीत होनी चाहिए? दिक्कत क्या है, गन्ने का पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा? नहीं जी, गन्ने का तो मिला, हमारे सड़क का पैसा नहीं मिला जी। अच्छा, हमारे पास देख लो यो निशान और पटवारी ने गड़बड़ कर रखे जी, और हमें पैसा ही नहीं मिला। तो ये सारे मुद्दे उठने चाहिए ना आपके नेताओं को, ये सब उठाना चाहिए। हाँ जी, हमारे तो पैसा नहीं, हमारे हमारे पैसा नहीं मिला जी सड़क का, जो हमारे जो सड़क में जमीन गई। हाँ जी। अच्छा, ये सर आप नहीं गए आंदोलन में दादा? आंदोलन चल रहा है दिल्ली की बॉर्डर पे। ना जी, हम नहीं गए, वहाँ नहीं गए। आज काला झंडा भी लगाना था? ना जी, हम गए नहीं वहाँ पे, हमारा टाइम नहीं लगता था ना जाने। अरे ये युवा भी है हमारे साथ, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है जी। अंकित भाई, आज आंदोलन चल रहा है, गए कि नहीं आप? हम तो गए नहीं जी, पर लेकिन हमने गाँव में काला झंडा लगा था अपने। अच्छा, आज लगाया है? हाँ जी। तो समर्थन दे रहे हैं आप आंदोलन? हाँ जी, हम खुल का समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, बातचीत होनी चाहिए, क्या चाहते हैं, किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए? आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए जी, कानून रद्द होने चाहिए। अब ये कोरोना का जो खतरा होता है, भीड़ भी तो कम होनी चाहिए। हाँ, भीड़ कम होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क जरूरी है। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और जिनका कहना है कि गांव में काला झंडा इन्होंने लगाया है। साथ ही साथ ये जो आप सड़क कटी हुई देख रहे हैं, तो इसके मुआवजे की भी बात कर रहे हैं, यानी किसान के जो बेसिक मुद्दे। बिल्कुल रमन, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि आज काला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ हैं जो समर्थन भी दे रहे हैं। और सिसौली आप जब पहुंचेंगे वहां की भी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल टिकरी बॉर्डर से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को हम बताते हैं। टिकरी बॉर्डर पर ब्लैक डे का असर नहीं दिख रहा है, टिकरी बॉर्डर पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, और कोई भी यहाँ पर लापरवाही ना हो, चूक ना हो। जो 26 जनवरी को हमने तस्वीरें देखी थी लाल किला पर, वैसे एक बार फिर से ना देखने को मिले, इसको लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अंजीत का, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजीत, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या किसान जुट रहे हैं, या फिर जो राकेश टिकैत बार बार संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा किसान ना जुटे, अपने घरों पर ही काले झंडे लगा लें, क्या वैसी तस्वीर आ रही ना सर? नहीं, देखिए किसी तरीके की कोई तस्वीर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक तस्वीर है, वो दिल्ली पुलिस बिल्कुल मुस्तैद दिख रही तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी वक्त वक्त पर यहाँ पर पहुंचते हैं, बकायदा ब्रीफिंग होती है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है, बकायदा ब्रीफिंग की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है, अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे आपको काम करना है, क्या करना है। टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के महिला जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, CISF जवान है, RAF के जवान है, और साथ ही CRPF के भी जवान है।
पूरी तरीके से तस्वीरें देखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। सबको खड़ा किया गया है लाइन से और फिर ब्रीफिंग की जा रही है। इधर देखिए, ये जो पूरा रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। आगे टिकरी बॉर्डर ये रास्ता जाता है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है और यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। कोई किसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, कोई काला झंडा नजर नहीं आ रहा, कोई ब्लैक डे का असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है और सिर्फ अधिकारी नजर आते हैं, पुलिस के जवान नजर आते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया, यहाँ से आगे जाने की किसी को कोई इजाजत नहीं है फिलहाल और यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पर रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है, इस रास्ते को बिल्कुल सामान्य कर दिया गया है, ये रास्ता सामान्य तरीके से चलता है और इसके इतर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि गाड़ियों को यहाँ रोका जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। और ये देखिए, जिधर भी कैमरे की नजर जाएगी दिल्ली पुलिस की जवानी नजर आएंगे। यानी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है कि अगर किसी तरह की कोई हरकत होती है, किसान जो है वो दिल्ली की तरफ अगर कूच करते हैं, रुख करते हैं, तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, पल पल की तस्वीर जो है वो हम दिखाते रहेंगे आज किस तरीके से किसान जो है वो काला दिवस मना रहे हैं। तमाम एक अपडेट आपको देते रहेंगे जी हिंदुस्तान पर। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ।